पवित्र तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में अष्ट धातु से निर्मित बाल स्वरूप आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है, जिसमें देश भर के साधु संत यज्ञ अनुष्ठान में पहुंचे हैं। परंपरा के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। वहीं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मोहित साहू ने कार्यक्रम का जायजा लिया। देखिए इस खास खबर। आज अनावरण होना है। ठीक 10:30 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान आज ओंकार पर्वत पर पहुंचेंगे और अष्ट धातु से बनी 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अष्ट धातु से बनी हुई है और देश प्रदेश सहित अन्य राज्यों से सांस्कृतिक विभाग सांस्कृतिक कार्यक्रम करने पहुँचे हैं और साधु संत भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरा प्रशासनिक हमला यहाँ पर मौजूद है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर यज्ञशाला बनाई गई है, तो यहाँ पर यज्ञ हो रहा है और 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम होने जा रहा है। और आज मध्य प्रदेश के सीएम यहाँ पर अद्वैत लोक जो बनेगा उसकी आधारशिला भी रखेंगे। पूरा प्रशासनिक हमला यहाँ पर मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को देना चाहूँगा कि आपको यहाँ का थोड़ा दृश्य दिखाएंगे। पूरा कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर यज्ञशाला बनी हुई है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 108 फीट ऊंची मूर्ति जो अष्ट धातु है, स्टेचू ऑफ वननेस, जिसका आज लोकार्पण होना है। मध्य प्रदेश के सीएम इस लोकार्पण करेंगे। वह यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कुछ ही देर बाद ओंकार पर्वत पर पहुँचेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लिफ्ट के द्वारा वहाँ पर जाकर मूर्ति का अनावरण करेंगे। आज तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर पूरी ओम शिव के उच्चारण से गुजरेगी। कैमरामैन अशोक शर्मा के साथ मैं मोहित साहू, रहते हैं ओंकारेश्वर।